नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़े। आज वर्ल्ड वाटर डे है। पानी की बर्बादी को रोकने और लोगों को इसका महत्व समझाने के मकसद से ये दिन आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। देश में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, जिनके प्रयासों से, जिनकी कोशिशों से राजस्थान में अरवरी नदी और उसके आसपास के इकोसिस्टम को नई जान दी और डाउन वाटर लेवल को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। उसके अलावा भी बहुत सी नदियों और सोर्सेज पर, वाटर सोर्सेज पर उन्होंने काम किया है। 2001 में डॉक्टर सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फॉर कम्युनिटी लीडरशिप और 2015 में पानी का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह इस वक्त न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में आयोजित पहले विश्व जल सम्मेलन के लिए आमंत्रित किए गए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आप कहते हैं कि धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के लिए मैं कहता हूँ, एक अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लेकिन काफिला मिलता गया। अब तो आपका काफिला बन गया है। पानी को लेकर जिस तरह से आपने एक्सरसाइज शुरू की है, दुनिया भर में इसकी धमक सुनाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सफर को? मैं समझता हूं कि ये जो यात्रा है, ये बेपानी धरती से शुरू हुई जी, और इन पिछले 4 दशकों में जो देखा कि पानीदार बन गई धरती भी जी, और लोगों की आंखों में भी अब खुशियों का पानी है, आनंद का पानी है जी। तो ये जो एक बड़ी यात्रा 4 दशकों में हमने पूरी की जी, जो अभी भी आगे बढ़ रही है, उसमें से एक बात समझ में आ रही है कि हमारी धरती का पेट खाली हो रहा है जी, और मौसम का मिजाज इसलिए बिगड़ रहा है कि मिट्टी में नमी नहीं है जी। तो जब मिट्टी में नमी नहीं होती तो उसमें हरियाली नहीं आती, और फिर सूरज से निकलने वाली लाल गर्मी धरती को गर्म कर देती है और धरती को बुखार चढ़ जाता है, और उस धरती के बुखार से मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है जी। अभी जो जहां जहां भारत में ये ऐसे प्रयास हुए हैं, उस प्रयासों का परिणाम ये है कि धरती का बुखार भी ठीक हो गया और मौसम का मिजाज भी सुधर गया, लोगों के चेहरे बदल गए, धरती का चेहरा हरा भरा हो गया जी। पर ये हुआ वहां जहां समाज ने अपने आप में ये एहसास किया और उसको आभास हुआ कि वो धरती को जी, और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है जी। तो इस विश्वास ने उनके अंदर ये जो काम की जिज्ञासा थी जी, वो पैदा की, और लोगों ने पिछले 42 वर्षों में तेहरा नदियों को जो मरी हुई थी, सूखी थी, उनको पुनर्जीवित कर लिया जी, और 13,800 बांध जोहर बिना किसी की मदद के, बिना सरकार की मदद के, लोगों ने अपनी मदद से, लोगों ने अपनी शक्ति से, अपनी श्रम से, अपनी समझ से जी, ये जो तालाब बांध जोहर बनाए जी, उससे धरती की खुशहाली बढ़ गई, और जो लोग उजड़ गए थे, लाचार बेकार बीमार होकर गांव छोड़ के चले गए थे, वो वापस अपनी जमीन पे रहकर अपनी जमीन को उन्होंने पानीदार बना लिया और लोगों के जीवन में खुशहाली छा गई। ऐसा पूरी दुनिया में हो सकता है। आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ, न्यूयॉर्क में जो विश्व जल सम्मेलन है उसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और पूरी दुनिया की जो राष्ट्रीय सरकारें हैं जी, वो जरा ये सोचें कि ये पानी का काम केवल सरकारों का नहीं होता, ये काम राज, समाज, संत और महाजन सबका साझा होता है जी। इसलिए उनको ये एक तरफ उनको पानी का काम करने का अधिकार मिले और दूसरी तरफ पानी का प्रबंधन और पानी के उपयोग का हक उनका बरकरार हो, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस समय देख रहा हूं जी, आप न्यूयॉर्क में हैं और यूएन के में संबोधित कर रहे हैं इस जल सम्मेलन को भी।
हम हिंदुस्तान की बात करें, लेकिन उससे पहले दुनिया का मैं स्टेटस देख रहा हूँ कि दुनिया में केवल 3% पानी जो है पीने योग्य है और 26% लोगों को भी साफ पानी नसीब नहीं है। तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम बड़ा बड़ा प्रोग्रेस डेवलपमेंट सब बात कर रहे हैं और जो बेसिक नीड है उस पर फोकस क्यों नहीं है हमारा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही जवाब देना चाहती हूँ जी कि ये जो सरकारें हैं और खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ है जी, वो केवल सरकारों के लिए एडवोकेसी करता है जी, या अपने लिए एडवोकेसी करता है जी। जो गरीब है, जो चिड़िया हाथी ऊंट जो पूरा समूह जो जल है ना, वो केवल आदमी के लिए नहीं है जी, और केवल सरकारों के लिए नहीं है जी। वो तो पेड़ पौधों को भी अधिकार है कि उन्हें पानी मिले, चिड़िया जानवर सबको अधिकार है जी। पानी सबके अंदर है और पानी पर सबका समान अधिकार है जी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में इन सब बातों पर विचार नहीं किया जाता जी। तो यहाँ वो विचार किया जाता है कि जो पानी के काम के लिए ज्यादा कमाई कर सकता है या पानी के नाम पे ज्यादा खर्च कर सकता है जी। उन लोगों की पूछ ज्यादा होती है, कमाई करने वाले और खर्च करने वाले ही यहाँ पूछे जाते हैं। लेकिन जो धरती और प्रकृति को और पूरी मानवता को अपने पसीने से सींच कर पानीदार बनाते हैं, वो तो फिर बेचारे जो कुछ सरकारों को संयुक्त राष्ट्र को सुझाते हैं उस पर वो कितना गौर करते हैं ये मुझे मालूम नहीं, पर हाँ मिलाया है, मुझे सुना, सुनेंगे भी, पर कितना गौर करेंगे इन सब बातों पर उस पर मुझे शंका है जी। तो ये जो सरकारें और संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा लाते हैं और फिर उसकी बंदरबांट करके जिनके लिए वो पानी का सहेजने का काम होना चाहिए जी, वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो आंकड़ा आपने दिया कि आधे लगभग आधे लोग रहते हैं जिनको शुद्ध पीने के लायक पानी नहीं मिलता, जो दूषित पानी पीकर 66% बीमारियां पानी के कारण झेलते रहते हैं, ये जो पूरी दुनिया का दृश्य है, ये उन देशों का दृश्य है जो अब तक अपने को विकसित कह रहे थे जी। अमेरिका, यूरोप के देश इसी अपने को कहते थे हम विकसित हैं जी। लेकिन इनके यहाँ पिछले 5 सालों में जो बाढ़ आई है, सुखाड़ आई है, उसका इलाज उन पर नहीं है। इनकी आंखों में आप वो आंसू हैं जिनको कोई पूछने वाला इनके लिए है नहीं, क्योंकि तो इन्होंने बाढ़ और सुखाड़ तो देखा नहीं। हाँ, ये तो भगवान के प्रकृति के बहुत लाडले बेटी थे, खूब सारा पानी, सब कुछ सारी हरियाली उन्होंने कब्जा किया था, तो ये तो कब्जे से बने हुए लोग थे, पर अब प्रकृति ने इन्हें भी बता दी इनकी औकात जी। अमेरिका, यूरोप, इन सबको इनकी औकात बता दी है। पिछले 5 सालों में कोविड ने और जो बाढ़ और सुखाड़ और तूफान आया है उस सब ने इनको बता दिया है। मैं देख रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, हमारे दुनिया की तो ड्राउट एंड फ्लड कमीशन के लोग थे, ये 60-70 लोग इकट्ठे हुए थे, इनसे यही चर्चा करते थे जी। और आज हमने उस चर्चा को करके आज एक मेमोरेंडम भी इनके संयुक्त राष्ट्र संघ को देने वाले हैं। ये जो हमारा लक्ष्य है कि ये पानी सबका है, इस पर सबका समान अधिकार है और इसको सबको इसका प्रबंधन करने का सबको बराबर हक है। आप तो जानते हैं जब मैंने ये काम शुरू किया सरकारों ने मेरे खिलाफ कितने बकते, पर मैं उनको बताता रहा कि ये पानी का काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा मैंने 13,000 आंकड़े बनाए पर मैं एक का भी मालिक नहीं हूँ, एक तालाब का भी मालिक नहीं हूँ। मैंने तो ये जो भी कुछ किया वो अपने समाज के लिए, अपनी प्रकृति के लिए किया, मानवता और प्रकृति को दोनों को बराबर सम्मान देता हूँ। लेकिन ये सब बातें सरकारों को और संयुक्त राष्ट्र संघ को समझ में नहीं आती है। हम यहाँ इस बार जरा ज्यादा ताकत के साथ आए, भारत का सबसे बड़ा डेलीगेशन है, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के एक वातावरण बनाए और इनको ये बात समझाएं कि तुम विकसित नहीं हो, तुम वैसे ही हो जैसे बाकी दुनिया है जी। लेकिन तुमने जितने खसोट के इकट्ठा किया उसको सरकार तब सिखा दे, समाज और प्रकृति इन सब के बीच में यदि वो ठीक से बटेगा तो शांति रहेगी, यदि वो नहीं बटेगा तो युद्ध होगा। तीसरा जो विश्व युद्ध है वो विस्थापन के कारण हमारे दरवाजे पर आ गया है, उससे बचना है तो समझौते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्व जल दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर
राजेंद्र सिंह साहब से, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, यूनाइटेड नेशंस में पहले जल सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये हमारा लिए भी गौरव की बात है। डॉक्टर सिंह, आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे समाज की और सरकार की। डॉक्टर सिंह, तो सरकारें जिस तरह से काम करती है, आपने कहा कि दुनिया भर में इस तरह से काम हो रहा है कि सरकारों ने इसको अलग से नहीं लिया है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकारें बड़ा काम कर रही हैं, सुना है मैंने। अभी जो भारत सरकार का जल मंत्रालय है, जिसे हमने नया नाम दिया जल शक्ति मंत्रालय, उनकी योजना चल रही है हर घर नल योजना, और मैंने देखा कि 2022-23 में उसमें 60,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में लगाए गए हैं, फिर भी आप तो नाराज रहते हैं सरकार से। देखिए, सरकारों को शक्ति समझ में आती है जी, पावर समझ में आती है जी, और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी यही समझ में आता है जी। उनको जो जल की आत्मा है और जिस आत्मा से हम सब बनते चलते और पोषित होते हैं जी, ये कदाचित समझ में आता नहीं है जी। और चूंकि उनको ये समझ में नहीं आता, इसके कारण यदि हम ये देखें कि हमारे देश में जब हमें आजादी मिली तब 1% जमीन पर ही बाढ़ आती थी और 3% जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कभी सुखाड़ होता था। बाढ़ सुखाड़ आती रही है लेकिन इससे ज्यादा नहीं थी। अभी आपकी आज की स्थिति में हम 62% एरिया वाटर स्केर्सिटी से जूझ रहे हैं, मोर देन 30% हम फ्लड से जूझ रहे हैं। तो ये जो बाढ़ और सुखाड़ का जो बढ़ना है जी, ये एक क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने पानी को समझा नहीं, और जब हम पानी को नहीं समझते तो हमारी नदियां सूखने लगती हैं, और जब कोई नदी सूखती है तो उसकी सभ्यताएं सूख जाती हैं, मर जाती हैं। नदियों का सूखना सभ्यताओं का सूखना और मरना रहा है, ये इतिहास हमें सिखाता है, दुनिया का इतिहास सिखाता है। लेकिन हमारी सरकारों को कदाचित ये क्यों समझ में नहीं आता कि हम अपनी ये जो हमारी स्थिति है, किस स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए स्थिति को बेहतर बनाने का काम जब होता है, जब हम अपने जल को जीवन मानते हैं, जब हम ये मानते हैं जल में ही जीवन है जी। केवल ये नहीं, सरकारी शब्द की तरह नहीं कि जल जीवन, अरे भाई जीवन जल में ही है जी। और यही हमारी जीविका बनाता है, यही हमारा जमीन बनाता है जी। जल के बिना ना जीविका है और ना जीवन है ना जमीन जी। इसलिए ये जो जल की आत्मा है, उस आत्मा को सरकारें कभी छूती नहीं है, और जब वो सरकारें नहीं छूती तो फिर बहुत पैसा खर्च होता है जी। तब एक के बाद एक सब कुछ लुटता रहता है, ठेकेदार खुश होते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां माला माल होती रहती है इस तरह के कामों से। लेकिन जिसको पानी मिलना चाहिए, उसको जिस धरती को पानी मिलना चाहिए, जिस नदी को पानी मिलना चाहिए, जिस जंगल को पानी मिलना चाहिए, जिस जगह को पानी मिलना चाहिए, उसको पानी नहीं मिलता, वो बेपानी होते रहते हैं और बेपानी होकर लाचार बेकार बीमार बन के उजड़ते रहते हैं। लेकिन जब सरकार, जब समाज ये काम करने लगता है तो वो अपने आप को पुनर्वास कर लेता है, पुनर्बसा लेता है बिना सरकारों की मदद के। मेरा जो पिछले 4 दशकों का अनुभव है वो ये कि जहां सरकारों के बिना समाज ने अपना काम किया वो पानीदार बन गया जी। वो नदियों को पुनर्जीवित कर सका, वो सभ्यता को एक तरह से विश्वास जगा के, लोगों के अंदर का एहसास जगा के उनको ये आभास दिखा सका कि तुम अपने आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। ये जो जिन जीवन को बेहतर बनाने का काम है वो समाज खुद कर सकता है, लेकिन राज उसको करने नहीं देता। क्योंकि राज उसको करने नहीं देता और राज में जो ठेकेदार होते हैं उनका फिर सब दुकानदारी बंद होती है, इसलिए राज और ठेकेदार ये सब मिलकर ठीक है समाज को बेपानी बनाते हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि राज करने नहीं देता और राज मुझे कह रहा है कि देखिए हमने तो नमामि गंगे में 22,500 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, और 40 साल से 1985 से हम गंगा को साफ करने में लगे हुए हैं। पर वो 22,500 करोड़ किसकी जेब में गए?
जरा पूछ लो जी। देखो मेरी माँ गंगा की जो बीमारी है ना जी, वो हृदय रोग की बीमारी है जी। उसको इन्वायरमेंटल फ्लो चाहिए नदी में जी। उसको दांतों का डॉक्टर दिखा दे दिया है इन्होंने जो घाट बनाता है, और कहीं कहीं हमारी माँ गंगा को ब्यूटी पार्लर की दुकान पे भेज दिया है ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, वो सारा पैसा चला गया। इससे मेरी माँ गंगा का इलाज नहीं होगा। मेरी माँ गंगा हृदय रोग की रोगी है, उसको प्रवाह चाहिए, उसको पर्यावरणीय प्रवाह चाहिए, उसको जल का प्रवाह चाहिए, उसको दांतों का डॉक्टर या ब्यूटी पार्लर नहीं चाहिए। हम ब्यूटी पार्लर की दुकान पे माँ का इलाज करवा रहे हैं, हम दांतों के डॉक्टर पे उसका ऑपरेशन करवा रहे हैं। इससे मेरी माँ ठीक नहीं होगी। मेरी माँ गंगा को यदि ठीक करना था तो मेरी माँ गंगा के लिए उसकी अविरलता की, उसकी शुद्ध सदा नीरा बहने की आजादी को कायम कर देते, उसको उसमें गंदगी डालने वाले नालों को डाइवर्ट कर देते, तो हमारी माँ गंगा का इलाज अपने आप हो जाता। ये 22,000 करोड़ से नहीं होगा भैया, ये तो लोगों की इच्छा से होगा जी। इसलिए एक और गंगा जी साहब, एक छोटा सा सवाल और है, वक्त कम है, कि आजकल हम नदियों का पानी पीने से घबराते हैं क्योंकि प्रदूषित है, हर घर नल से जो नल में पानी आ रहा है वो पीने से घबराते हैं, लेकिन एक पैकेज वाटर जो है, पैकेज बॉटल वाटर जो है वो चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हर मिनट में 10 लाख पैकेज बॉटल बिक रही है पानी की, नदी का पानी नहीं पीते लेकिन पैकेज वाटर पी रहे हैं, ये क्या रैकेट है, क्या है सिस्टम ये? देखो गंगा माँ का पानी तरह तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति रखता था जी। उसके उसके बायोफाज में, उसके गंगत्व में, उसके ब्रह्मसत्व में 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति थी। आज उसमें और बीमारी आ गई है, आज वो गंगा का गंगत्व बचा नहीं है ना ब्रह्मसत्व बचा है। इसलिए माँ गंगा तो अब आईसीयू में भर्ती हो रही है जी। हमें ये कहना है कि माँ को यदि इस आईसीयू से निकालना है तो उसको ब्यूटी पार्लर के यहाँ मत भेजो, उसको दांतों के डॉक्टर के पास उसका ऑपरेशन मत कराओ, उसको तो उसके प्राण दे दो, जल प्रवाह दे दो, उसको उसको उसकी आजादी दे दो। यदि आप उसको वो जल प्रवाह दे दोगे तो फिर से माँ अपने आप निरोग होकर वो 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी और फिर वो हमें भी निरोग कर देगी, हमारी भी सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जीवित कर देगी, और फिर वो सभ्यता आप कह सकेंगे कि हम विश्व गुरु बन गए। अरे भाई तुम विश्व गुरु पैसे से नहीं बनोगे, विश्व गुरु तुम्हारी ये जो कंपटीशन है इकोनॉमिक नेटवर्क का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपटीशन है, ये हमें कदाचित विश्व गुरु नहीं बनाएगा। हमें विश्व गुरु बनाएगा हमारी हमारा जो ज्ञान तंत्र है, हमारी जो विद्या है, हमारी जो हमारा ज्ञान तंत्र है, और जो हमारा जल है, जल के प्रति भारत का जो दर्शन है, जल को हम जीवन जीविका और जमीर मान के जब उसके लिए काम करते हैं तो वो तरीका हमें विश्व गुरु बनाएगा। विश्व गुरु ये 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने से विश्व गुरु नहीं बनेंगे हम। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप जो है अपना संदेश दुनिया भर में फहराएं, दुनिया भर आपकी बात सुने तो पूरी दुनिया का ये संकट खत्म हो और हिंदुस्तान का झंडा जो है आप बुलंद करें, इस शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, जिन्हें हम वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे जल नहीं तो कल नहीं। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं।